हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू कवर किए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, अ स्नेक चार्मर स्टोरी के टॉप 10 एमसीक्यूज। एमसीक्यू के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से अपने पास में कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, साथ ही साथ उसका आंसर लिखिए। जब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूँ तो आप चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाग गुम्फन डिजाइंस आर यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड इन वॉल डेकोरेशन इन द स्टेट ऑफ। तो बच्चों, नाग गुम्फन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो नाग गुम्फन डिजाइन है वो रंगोली में, एम्ब्रॉयडरी में, वॉल डेकोरेशन में यूज की जाती है। तो आपसे पूछा है कि किस स्टेट में उसको यूज किया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। देखिए आपके सामने ये नागुम्फन डिजाइन है, इसको हम रंगोली में एम्ब्रॉयडरी, मतलब कि जो कपड़े पे हम डिजाइन बनाते हैं उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, और वॉल डेकोरेशन में इस टाइप के डिजाइन को हम बनाते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल डू द स्नेक्स ईट इन द फील्ड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप। बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि हमारी क्रॉप्स को कुछ एनिमल नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को खा जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्नेक होते हैं फील्ड में किन एनिमल्स को खाते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं रेट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, मतलब कि जो स्नेक होते हैं वो रैट्स को और फ्रॉक्स को, दोनों को खाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। पॉइजनस का मतलब क्या होता है? जहरीले। हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत टाइप के सांप होते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे इंडिया में जहरीले सांप कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स, 6 टाइप्स, 4 टाइप्स एंड 2 टाइप्स। तो आपको टाइप बताना है कि कितने टाइप के होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइप्स। इसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, कॉमन क्रैट। आप देख सकते हैं कि शक्ल कैसी होती है इस कॉमन क्रैट की, ये ब्लैक कलर का होता है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लाइन है। या हम बात करते हैं कोबरा की, और कोबरा वर्ड बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा। हम बात करते हैं फिर इसकी सॉ स्केल वाइपर की, और ये हमारा चौथा टाइप है रसेल वाइपर स्नेक। और इन सारे टाइप्स को हमने हमारी टेक्स्ट बुक में अच्छे से डिस्कस किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, कालबेलिया इज अ काइंड ऑफ। कालबेलिया क्या है? एक डांस फॉर्म है या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या डिजाइन है या फिर सॉन्ग है? तो आपको बताना है कि कालबेलिया क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डांस फॉर्म। देखिए आपके सामने कालबेलिया कम्युनिटी के लोग हैं, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, उनकी कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। और जो वो डांस परफॉर्म करते हैं उसको भी क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि जो डांस की फोटो आपके सामने है वो कालबेलिया डांस है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द सपेरा कैरिड स्नेक्स इन। सपेरा कौन होते हैं जो कि स्नेक को पकड़ते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सपेरा होते हैं वो स्नेक को किसके अंदर रखते हैं? टिन बॉक्सेस में, बैम्बू बास्केट्स में, क्लोथ बैग्स में या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि जो सपेरा होते हैं वो स्नेक को किसके अंदर रखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैम्बू बास्केट। बैम्बू मतलब क्या होता है? बांस। देखिए आपके सामने ये सपेरा है, इनके हाथ में क्या है? बीन है। और आप यहां देख सकते हैं कि स्नेक है, और ये स्नेक किसके अंदर है? ध्यान से देखिए, क्या ये बैम्बो बास्केट। तो जो सपेरा होते हैं वो स्नेक को बैम्बो बास्केट के अंदर बंद करके रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम। देखिए जहां पर कहीं सांप काट जाता है उसके लिए मेडिसिन होती है, तो
तो आपसे पूछ रहा है कि जो मेडिसिन बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, स्नेक की स्किन से बनाई जाती है या फिर स्नेक की टंग से या फिर स्नेक के पॉइजन से या फिर स्नेक के ब्लड से, बताइए किससे बनाई जाती है मेडिसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्नेक पॉइजन। हमारी बॉडी के अंदर जो स्नेक का पॉइजन होता है उसको खत्म करने के लिए भी हम मेडिसिन किससे बनाते हैं, स्नेक के पॉइजन से। क्वेश्चन नंबर 7, विच एनिमल डांसेस व्हेन बीन इज प्लेड। जब बीन बजाई जाती है तो फिर कौन सा एनिमल डांस करता है, लिजर्ड, कैट, स्नेक या पिकॉक। और मैंने बताया आपको बीन क्या और कैसी होती है अभी, तो आप इसका आंसर तो आपको आता ही होगा कि कौन डांस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्नेक। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू स्नेक चार्मर्स कम टू नो विच स्नेक हैड बिटन अ पर्सन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए कि वो पूछना क्या चाहता है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू स्नेक चार्मर्स, स्नेक चार्मर्स कौन होते हैं जो कि स्नेक को पकड़ने काम करते हैं, जिनको हम सपेरा कहते हैं। तो स्नेक चार्मर्स को कैसे पता चलता है कि किस स्नेक ने काटा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, बाय टचिंग द बिटन एरिया, जिस जगह काटा है वहां पर हाथ लगा के देखोगे कि किसने काटा है, या फिर बाय आस्किंग द पर्सन हु हैड बीन बिटन, जिसको काटा उससे पूछेंगे कि भाई तेरे को किसने काटा है, या फिर बाय सीइंग द बाइट मार्क्स। देखिए जहां पर सांप काटता है ना वहां पर वो निशान छोड़ के चला जाता है, तो जो निशान होते हैं उसको देख के पता करेंगे कि किस सांप ने काटा है, या फिर बाय प्लेइंग द बीन, बीन बजा के पता करेंगे कि किस सांप ने काटा है। तो बताइए कि कैसे पता करेंगे हम, और इसको हमने हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाय सीइंग द बाइट मार्क्स, जो निशान होते उसको देख के पता करते हैं कि किस सांप ने काटा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाई गवर्नमेंट मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने लॉ बना रखा है वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए, और लॉ का मतलब क्या होता है, कानून। तो क्यों बनाया है, ऑप्शन ए, बिकॉज दे आर डेंजरस, वाइल्ड एनिमल डेंजरस होते हैं इसलिए बनाया है, या फिर प्रोहिबिट हंटिंग, हम क्या करते हैं उनका शिकार करते हैं, तो शिकार को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, या फिर स्टॉप सेलिंग देयर बॉडी पार्ट, हम क्या करते हैं कि जानवरों को मार के उनके बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं, जैसे कि हम हाथी के दांत को बेचते हैं, टाइगर की स्किन को बेचते हैं, तो इन सबको बेचने के लिए रोक लगाने के लिए लॉ बनाया गया है, या फिर बोथ बी एंड सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, ना तो हम उनका शिकार कर सकते हैं और ना ही हम उनके बॉडी पार्ट्स को बेच सकते हैं, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो फिर हमको क्या होगा, पनिशमेंट होगी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक्स आर कॉल्ड एज। देखिए सांप के अंदर जो जहरीले दांत होते हैं उसको क्या कहा जाता है, हुड कहा जाता है, पैंग्स कहा जाता है, फैंग्स कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दीज, क्या कहा जाता है उसे, पॉइजनस टीथ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फैंग्स। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके सामने क्या है, स्नेक का माउथ है। अब आपको ये दिख रहे हैं इसके दो दांत, अब जो पॉइजनस टीथ है उसको क्या कहा जाता है, फैंग कहा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके जो फैंग के अंदर से जो पॉइजन आता है वो कहाँ से आता है ये देखते हैं। ये देखिए इसके अंदर वेनम ग्लैंड होती है, वेनम का मतलब होता है जहर, तो जो उसके अंदर का जो जहर होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है, और ये जो दांत होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं। जब ये हमें बाइट करता है ना तो इसका जो बॉडी का पॉइजन होता है, ये देखिए जो पॉइजन वाली ग्लैंड है इसके अंदर से हमारी बॉडी में पॉइजन एंटर करता है। तो जो पॉइजनस दांत उसको क्या बोलते हैं, हम फैंग कहते हैं, और जिस ग्लैंड से ये पॉइजन निकलता है उसे क्या कहते हैं, वेनम ग्लैंड कहते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के टॉप 10 MCQs किए, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आपने क्वेश्चन सॉल्व करते करते उनको याद भी कर लिया होगा, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन होता है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आया, तो उसके लिए आप बेल बटन को दबा दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।